हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सारिका और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सारिका वर्ल्ड। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा कि आज हम क्या बनाने वाले हैं। आज हम बनाने वाले हैं चटपटे टैमरिंड पॉप्सिकल्स। बच्चों के लिए फ्रूट पॉप्सिकल्स की रेसिपी मैं पहले ही दे चुकी हूँ, लेकिन आज की रेसिपी होने वाली है बच्चों की मम्मियों के लिए, जिसे खाने के बाद उनको अपने स्कूल डेज की याद ज़रूर आने वाली है। और अगर ऐसा होता है तो इस वीडियो को देखने के बाद लाइक का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं चटपटी टैमरिंड पॉप्सिकल्स बनाना। ये देखिए, स्वीट टैमरिंड पॉप्सिकल्स बनाने के लिए हम लेंगे इस तरह की स्वीट टैमरिंड। ये आपको इजीली किसी भी फ्रूट शॉप पर मिल जाएगी और इसका वेट है 250 ग्राम। और मैं आपको इसको ओपन करके दिखा देती हूँ कि किस तरह से ये दिखती है। ये देखिए, इस तरह से ये बॉक्स हमने ओपन कर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिखाई देगी। और यहाँ पर हम ये 250 ग्राम पूरी ही यूज़ करने वाले हैं और इसको आप हाथ से ही इस तरह से इसका जो छिलका है वो अलग कर सकते हैं। बहुत ही ईजिली ये अलग हो जाता है। और ये देखिए, इस तरह से हम सारी ही इमली पे से ये इसका छिलका जो है ये अलग हटा देंगे। और ये जो इमली निकलेगी इसमें से, इसको हमें लगभग 2 घंटे के लिए भिगो कर रखना है। मैंने इसमें 2 कप पानी डालकर इसको भिगो दिया है। 2 घंटे जब हो जाएंगे तो हम इसको स्ट्रेन कर लेंगे। और स्ट्रेन करने के बाद भी मैंने इसके अंदर डाला है 1 कप पानी। इसमें हम ऐड कर रहे हैं 2 बड़ी चम्मच पिसी हुई शुगर और इसके अंदर हम डालेंगे 1/4 स्पून रेड चिली पाउडर, जिससे ये बनेगी बहुत ही चटपटी। और इसमें हम डालेंगे 1/4 स्पून सॉल्ट और इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। ये देखिए, इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके अंदर हम एक चीज़ और ऐड करने वाले हैं। 1/4 स्पून हम इसमें ऐड करेंगे भुना हुआ जीरा पाउडर। बहुत ही अच्छा फ्लेवर देता है ये, और ये बहुत ही स्पाइसी और बहुत ही चटपटी पॉप्सिकल रेडी होंगी। तो ये मिक्सचर बिल्कुल रेडी है। अब इसको हम डालते हैं मोल्ड के अंदर। तो यहाँ पर मैं यूज़ कर रही हूँ इस तरह के प्लास्टिक मोल्ड है मेरे पास। तो हम इसके अंदर इसको फिल करेंगे। तो इसको फिल करने के लिए आप कोई भी जो आपके पास कुछ कप या कुछ छोटा जार हो वो आप यूज़ करें, जिससे कि ये बाहर ना गिरे। तो इस तरह से हम धीरे धीरे इसको पोर कर लेंगे और सारे मोल्ड फिल कर लेंगे। अब हमें इसमें लगानी है एक स्टिक। तो स्टिक को सीधा रखने के लिए मैं यूज़ कर रही हूँ यहाँ पर एल्यूमिनियम फॉयल, जो मैंने स्क्वायर में कट कर लिया था छोटे छोटे पीसेस, और उससे हम इसको बंद कर लेंगे। ये देखिए, ये मैंने सारी ही जो मोल्ड्स हैं ये मैंने सारे ऊपर से कवर कर लिए हैं इससे। और अब हम लगाएंगे इसके अंदर एक छोटा छोटा कट। इसके अंदर हम लगाएंगे आइसक्रीम स्टिक, क्योंकि इस तरह से ये स्टिक बिल्कुल सीधी ही रहेगी। ये देखिए, इस तरह से हम इसके अंदर लगा देंगे तो ये स्टिक बिल्कुल सीधी रहेगी। इसी तरह से हम सभी में ही स्टिक लगा लेते हैं। ये देखिए, सारी हमने जो हमारी पॉप्सिकल्स हैं उसमें स्टिक लगा दी है। ये बिल्कुल रेडी है फ्रीज़र के अंदर जाने के लिए। और चलिए, इनको रख देते हैं हम फ्रीज़र के अंदर। बस इसी तरह से हम सब पॉप्सिकल्स को फ्रीज़र के अंदर रख देंगे। और ये हमें रखना है कम से कम 7 से 8 घंटों के लिए, जिससे कि ये अच्छे से जम जाए। ये देखिए, 7 से 8 घंटों के बाद ये अच्छे से जम जाएगी। और फिर आप इसको पानी के अंदर डिप करें इस तरह से। और पानी के अंदर इसको डिप करने के बाद आप हाथ से इसको थोड़ा सा रब करिए, जिससे कि ये ईज़िली मोल्ड से बाहर निकल आए। ये ईज़िली मोल्ड से बाहर आ जाएगी इस तरह से। और इसी तरह से हम सारी ही जो हमारी पॉप्सिकल्स हैं उन्हें निकाल लेंगे। या तो फिर आपका जब मन हो तब आप एक एक पॉप्सिकल इस तरह से निकालें और उसे खाएं, इंजॉय करें। ये मैंने इस तरह से निकाल ली है, ये बहुत ही इजीली निकल जाएंगी।
ये देखिए ये पॉप्सिकल्स हमारी बिल्कुल रेडी हैं और इन्हें आप बनाइए, खाइए, एंजॉय करिए। तो देखिए ये हमारी चटपटी टैमरिंड पॉप्सिकल्स बनकर बिल्कुल रेडी हैं। इन्हें आप बनाएं और एंजॉय करें, और अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में नई रेसिपी के साथ। बाय बाय।